हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, ये ओप्पो का फ़ोन है। दोस्तों, ओप्पो के फ़ोन में मैं आपको दो तरीके से स्क्रीनशॉट लेने का आपको बताऊंगा कि आप दो तरीके से कैसे कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, तो अपने मोबाइल में। तो चलिए, सबसे पहला तरीका जो है दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, जो है वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है लगभग 3 सेकंड तक। उसके बाद ये हमारा जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, वॉल्यूम डाउन बटन यानी नीचे वाला बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को लगभग 3 सेकंड तक प्रेस करना है दोस्तों। तो चलिए, आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन शॉट हो गया दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो गया हो जाएगा दोस्तों। ये रहा हमारा पहला तरीका। और जो है अब दूसरा तरीका बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है 3 सेकंड तक, तो ये स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, ये हमारा जो है पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या करना है आपको दोस्तों, डबल फिंगर, तीन फिंगर से आपको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वीप करना है दोस्तों। ऊपर से नीचे की तरफ आपको जो है तीन फिंगर से स्वीप करना है तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। चलिए, आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, तीन फिंगर से ऊपर से नीचे की तरफ हमने जब स्वीप किया तो ये हमारा जो है स्क्रीन शॉट हो गया। चलिए, फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए हो गया। तीन फिंगर को आपको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वीप करोगे तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।